आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में बात होगी दिल्ली में एमसीडी के उस स्कूल की, जिसमें बच्चों को उनके मजहब की बुनियाद पर अलग अलग कमरों में बैठाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के वजीराबाद के एक एमसीडी स्कूल में मजहब के नाम पर भेदभाव का बड़ा मामला सामने आया है। इस स्कूल के क्लासरूम को हिंदू मुस्लिम में तकसीम कर दिया गया है। स्कूल के एक कमरे में हिंदू और दूसरे कमरे में मुसलमान बच्चों को बैठाया जा रहा था। क्या है ये पूरी कहानी? स्कूल ने क्यों मजहब की बिना पर कर डाला बच्चों को तकसीम? इस खबर के हर पहलू पर रोशनी डालेंगे, साथ ही इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया भी होगा। आज ग्राउंड जीरो में बात एक ऐसी खबर की जिसे हर वालदैन के लिए देखना बेहद जरूरी है। दरअसल आज दिल्ली में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने जहन में कई सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। हर सुबह स्कूल जाने वाले आपके लाडले के जहन में कहीं कोई नफरत तो पैदा नहीं कर रहा? कहीं स्कूल के जिम्मेदारान आपके मासूम के दिमाग में हिंदू मुस्लिम की नफरत तो पैदा नहीं कर रहे? और कहीं मजहब के नाम पर आपके बच्चों के साथ तकसीम की पॉलिसी तो नहीं अपनाई जा रही? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के एक स्कूल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस स्कूल में हिंदू और मुस्लिम बच्चों को अलग अलग क्लास में बैठाया जा रहा है। देखिए मासूमों की तालीम में इस मजहबी तकसीम पर आज की हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। जब एक साथ पढ़ते थे, एक साथ रहते थे, और अब लगभग मई में हमें अलग किया गया। पहले बात करते थे कि हम सब खेलते हैं लंच में, उनके साथ खेलते भी थे, मैं हर कुछ करते थे। वो अलग चल गए, हमें अलग कर चल गए, अलग अलग क्लास में बिठा दिया। अब इन मासूम बच्चों की जुबान से निकले एक एक लफ्ज में वो सच्चाई है जिसे मुल्क के हर बाशिंदे को आज गौर से सुनना चाहिए। वो अलग चल गए, हमें अलग कर चल गए, अलग अलग क्लास में बिठा दिया। हमें मिलकर ही अच्छा लगता, अभी भी अच्छा लग रहा है। दो हिंदू हैं और सब मुसलमान, हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे तो अच्छा रहे। ये मासूम वो स्याह हकीकत बयां कर रही हैं जो अगर सच ना होती तो ही बेहतर था, लेकिन अफसोस कि सच यही है। सच ये कि दिल्ली के वजीराबाद की गली नंबर 9 में मौजूद इस एमसीडी स्कूल में नफरत की बुनियाद रख दी गई है। एमसीडी के इस स्कूल में बच्चों को हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर बांट दिया गया है। पहले सब के सब एक साथ पढ़ते थे, एक साथ रहते थे, और अब लगभग मई में हमें अलग किया। अलग अलग हो गया ना सेक्शन, वो अलग चल गए, हमें अलग कर चल गए, अलग अलग क्लास में बिठा दिया। हमें मिलकर ही अच्छा लगता, अभी भी अच्छा लग रहा है। स्कूल में इन बच्चों के सेक्शंस मजहब की बुनियाद पर बांट दिए गए हैं, यानी हिंदू बच्चों की क्लास का सेक्शन अलग और मुस्लिम बच्चों का सेक्शन अलग। हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे तो अच्छा रहे। अब दो दो हिंदू हैं और सब मुसलमान। पिछले 3 महीने से यहाँ हिंदू और मुसलमान बच्चों को अलग अलग क्लास में बैठाया जा रहा है। एमसीडी का ये स्कूल 5वीं क्लास तक का है, लेकिन इसमें 8 सेक्शंस मजहब की बुनियाद पर तकसीम है। पहली क्लास के सेक्शन ए में 36 तालिबे इल्म सिर्फ हिंदू हैं, तो सेक्शन बी में 36 तालिबे इल्म सिर्फ मुसलमान हैं। इसी तरह दूसरे दर्जे के सेक्शन ए में 47 बच्चे सिर्फ हिंदू हैं, तो सेक्शन सी में 40 तालिबे इल्म सिर्फ मुसलमान हैं। हालांकि सेक्शन बी में दोनों मजाहिब के तालिबे इल्म मौजूद हैं। सेक्शन बी में 26 बच्चे मुस्लिम और 15 बच्चे हिंदू हैं। बाकी बची क्लासों में भी ऐसा ही हाल नजर आता है। इन सब के लिए सीधे तौर पर स्कूल के इंचार्ज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन इस बेहद हसास मामले में हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल के प्रिंसिपल खुद इस बात को बयां कर रहे हैं। मिक्स भी तो सेक्शन है हमारे पास, ऐसा तो नहीं है कि सारे इस तरह से, जो यदि हमारे दिमाग में या भावना हमारी सोच इस तरह की होती तो फिर तो कोई भी मिक्स सेक्शन नहीं होता ना। स्कूल के मौजूदा इंचार्ज सीबी सहरावत से जब इस बारे में पूछा गया तो सेक्शन के बंटवारे में मजहबी एंगल से उन्होंने इनकार किया। उनके मुताबिक स्कूल इंतजामिया का ये फैसला अमन, डिसिप्लिन और बेहतर माहौल के लिए था, लेकिन डिसिप्लिन के लिए हिंदू मुस्लिम बंटवारा क्यों, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब वो नहीं दे पाए। मैंने सोच के ऐसा कुछ नहीं करा, मैं तो ऐसा होता तो फिर सारे ही अलग अलग होते, फिर इस तरह की मेरी सोच नहीं होती। यदि किसी को ऐतराज है तो मिक्स करते हैं, हमें क्या दिक्कत है? टीचर तो सब यहीं के हैं, एक जैसा खाना बंटता है बच्चों को, एक जैसे टीचर हैं, एक जैसे कमरे हैं, एक जैसे पंखे, सब सुविधा एक जैसी। टीचर्स से बात करने पर पता चला कि पिछले प्रिंसिपल के तबादले के बाद सीबी सिंह सहरावत को इंचार्ज बनाया गया,
और जुलाई में उन्होंने बच्चों को इस तरह से बांट दिया। टीचर्स का कहना है कि उन्होंने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन सहरावत पर कोई असर नहीं हुआ। हमने बोला था कि मैंने आप क्यों ऐसा सेक्शन इधर उधर कर रहे हैं, बच्चे के इस सेक्शन से उस सेक्शन, बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे वहीं पढ़ेंगे। कह रहा कि नहीं, मैं अपने दिमाग से कर रहा हूँ, मैंने कहा सेक्शन अपना जो हम बनाना है आपको केवल पढ़ाने से मतलब है। मेरे क्लास में तो ऐसा नहीं था कि मतलब पूरे मैक्सिमम बच्चे हैं, लेकिन उसमें दूसरे कम्युनिटी के भी बच्चे थे। ऐसी बात नहीं कि कंप्लीट 100% मुस्लिम थे, बल्कि उसमें 3-4 और नॉन मुस्लिम भी थे। हम तो है ना उनके ऑर्डर्स का ऑबे करते हैं, पर्सनल तौर पे हम है ना उनको बोल सकते हैं कि सर ऐसा मत। मामला संजीदा है, इसीलिए इलाके के लोगों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें खुद भी ये जानकारी नहीं थी और इसको किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। एक ही होना चाहिए, जब बच्चे एक क्लास पढ़े तो एक ही करेंगे, वो अलग अलग कोई क्यों करेंगे, क्यों करना चाहते हैं अलग अलग। आगे बच्चों के क्या असर पड़ेगा बताओ आगे जाके। अभी ये पढ़ रहे हैं, इनका दिमाग पढ़ाई में होना चाहिए, अभी जातिवाद में इन्हें अलग अलग कर रहे हैं। ये 8 साल के 6 साल के 5 साल के मासूम बच्चे हैं और इनकी आज से ही ये सोच बना रहे कि हिंदू एक अलग चीज है, मुसलमान एक अलग चीज है, आप हिंदू से ना मिलो और मुसलमान को कह रहे हैं मुसलमान से ना मिलो। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है और ये स्कूल भी एमसीडी का है, लिहाजा उंगली एमसीडी पर भी उठाई जा रही है। लेकिन शुमाली एमसीडी के मेयर साफ कह रहे हैं कि एक्शन कड़ा होगा। हम 732 स्कूल चलाते हैं, आज तक कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और अल्पसंख्यक छात्रों को भी हम वजीफा देते हैं, अनुसूचित जात वर्ग के बच्चों को भी वजीफा देते हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। और अगर कोई ऐसी घटना होगी, अगर हमें लगेगा कि उसने गलती की है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्कूल से पढ़कर बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल संवारते हैं, लेकिन यहाँ तो बुनियाद में ही नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। यकीनन एक्शन कड़ा होना ही चाहिए और सरकार को भी ये यकीनी बनाना चाहिए कि नफरत के बीज बच्चों में ना बोए जाए। जो इंचार्ज है स्कूल के, वो एक ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाए कि इसके पीछे की असल वजह क्या है, जिससे उनकी गलती साफ तौर पर नजर आती है शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए। मजहब की बुनियाद पर साफ और शफाफ जहन वाले मासूम बच्चों को तकसीम करने वाली हरकत को किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। ये जरूर किसी गंदी जहनियत की बुनियाद पर लिया गया फैसला था। इस सब के पीछे सियासत के होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले के सामने आ जाने से अब सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में जुट गई हैं। दिल्ली के वजीराबाद की गली नंबर 9 के इस एमसीडी स्कूल के बच्चे 3 महीने पहले तक बिना किसी मजहबी तकसीम और बिना किसी तफरके के एक साथ मिलकर तालीम हासिल करते थे। लेकिन 3 महीने पहले कोरे जहन वाले इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को मजहब की बुनियाद पर अलग कर दिया गया। ऐसी उम्र में जब ये बच्चे मजहब को ठीक तरह से समझ भी नहीं पाए हैं, एक ऐसी उम्र जब किसी सलीम का दोस्त कोई मुकेश और किसी ललित का दोस्त कोई अकरम बन जाता है, वो मजहब जात पात और ऊंच नीच से परे बस सच्चा साथी तलाशते हैं। इन बच्चों को न जाने किसने अपनी गंदी जहनियत का शिकार बनाकर अलग अलग मजहब में तकसीम कर दिया। मामले की तह में सियासत के होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हर सियासी जमात अपना दामन पाक बताते हुए सामने वाले पर ही मजहब और तकसीम की सियासत करने का इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस बच्चों में नफरत का बीज बोने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दिल्ली में बरसरे इख्तदार आम आदमी पार्टी भी इसे गलत बताते हुए इस पर बीजेपी को ही घेर रही है। बहुत ही दुखद है और शर्मनाक भी है, क्योंकि ये जो देश की परंपरा रही है, गंगा जमुना तहजीब जो हम बोलते हैं, उसको धूमिल करने की कोशिश है। और जो भी इसके पीछे है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं जानती हूँ कि जब हम स्कूल जाते थे कि हम कभी जानते भी थे कि हमारे बगल में जो बैठे हैं उनका क्या धर्म है, किस जात से आते हैं। तो ये जो मन में ध्रुवीकरण हो रहा है और बचपन से करने की कोशिश की जा रही है, बहुत ही शर्मसार करने की बात है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मसार करने वाली बात है कि आज देश हो या नगर निगम के इन मासूम जहां बच्चे पढ़ते हैं, वहां को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। कौन शक्तियां हैं, कौन लोग हैं जो आज हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हमारे मासूम बच्चों का भी बंटवारा कर देना चाहते हैं। इधर दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी तो मामले से अनजान नजर आए, लेकिन फिर भी उन्होंने रिवायत निभाते हुए इसके पीछे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का ही हाथ होने का इल्जाम लगा दिया और इसे गुजरात तक से जोड़ दिया।
मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही ज्यादती है। ये जरूर कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेसी लोगों का ये चाल होगा। सियासत से इतर ऐसे मामलों को संजीदगी से देखने की जरूरत है ताकि मासूम बचपन मजहबी तकसीम की गंदी नियत का शिकार ना हो, बल्कि उन्हें तो ये तालीम मिलनी चाहिए कि ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। जाहिर है गंगा जमुनी तहजीब के अलंबरदार हमारे मुल्क में ऐसी घटनाओं का पेश आना ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि यह हैरान और परेशान करने वाला भी है। इस मामले में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इसके कसूरवार मौजूदा स्कूल इंचार्ज सीबी सहरावत है। ऐसा कहने के पीछे असल में कई सारी वजूहात हैं, क्योंकि जुलाई में जब उस वक्त के मौजूदा प्रिंसिपल का तबादला हुआ था तो सीबी सहरावत को स्कूल का इंचार्ज बनाया गया था। स्कूल का इंचार्ज बनते ही सीबी सहरावत ने बच्चों को मजहब की बिना पर तकसीम कर दिया। यहां तक कि स्कूल के टीचर्स ने भी उनके इस कदम की मुखालिफत की थी, लेकिन सहरावत ने किसी की नहीं सुनी थी। ऐसे में जरूरत अब इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने की है, और जैसा हमने बताया कि इस मामले में सीबी सहरावत को हटाया जा चुका है, लेकिन जो इस मामले में दूसरे लोग जुड़े हैं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है ताकि बच्चों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की गंदी जहनीयत को कड़ा पैगाम दिया जा सके और उसे रोका जा सके। लेकिन वजीराबाद का ये एमसीडी स्कूल ही अकेला ऐसा स्कूल नहीं है जहां बच्चों के साथ मजहब की बिना पर इम्तियाज बरता गया हो। दरअसल हकीकत यह है कि मुल्क भर के तमाम इलाकों में पहले भी ऐसे मामला जो है वो पेश आते रहे हैं। मशहूर मुसन्निफा नाजिया इरम की किताब मदरिंग और मुस्लिम इस हसास मौजू को बखूबी बयां कर चुकी है। इस किताब में कई मामलों की केस स्टडी जो है मौजूद है, और इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे नामी गिरामी स्कूलों में भी मजहब की बुनियाद पर अकलेती तबकों के साथ या अकलेती तबके के बच्चों के साथ बदसलूकी होती है और इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। लेकिन ऐसे मामलों को किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। हमारा मुल्क तो हमेशा से ही जोड़ने और प्यार करने वाला है, यानी जोड़ने का पैगाम देता है और प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है। गंगा जमुनी तहजीब की अलंबरदारी करने वाला हमारा मुल्क हमेशा से ही ऐसा रहा है, जहां हर मजहब के लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते रहे हैं। जहां हिंदू भाई ईद की सेवैयों का लुत्फ उठाते हैं तो वहीं मुस्लिम दिवाली की मिठाई को अकीदत और एहतराम के साथ खाते आए हैं। और शायद इसीलिए हमारे शायरों और नगमा निगारों ने भी हमेशा इस मामले पर लिखा है और अपने अशआर और अपने नगमों के जरिए मोहब्बत का ही पैगाम दिया है। मजहब के नाम पर बच्चों को तकसीम करने की जहनियत रखने वालों को साहिल लुधियानवी साहब ने बहुत पहले ही लिखकर जवाब दे दिया था कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वहीं अल्लामा इकबाल भी एक पैगाम दे चुके हैं और उन्होंने लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तकसीम की गंदी जहनियत वाले लोग ना तो इन पैगाम को सुन पाते हैं और ना ही इन पर अमल कर पाते हैं। ऐसे में जरूरत अब ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत है कि जिससे किसी भी कीमत पर ऐसे मामले पर जो है वो दोबारा कोई सोच भी ना सके और ऐसे मामले दोहराए ना जा सके। इसके लिए हिकमत अमली जो है अपनानी चाहिए और साथ ही महकमा तालीम को स्कूलों में कड़ी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। वक्त वक्त पर वहां पर बच्चों और वालदेन से भी ऐसे किसी सूरत हाल की जानकारी लेने की जरूरत है, यानी लेनी चाहिए। और तालीम से जुड़ी तमाम समाजी तंजीमों को भी ऐसे मामलों को लेकर संजीदा होना चाहिए और ऐसे किसी भी मामले के सामने आने पर उसकी मुखालिफत में आवाज बुलंद करनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन को भी खुद ऐसी किसी सूरत हाल को लेकर बेदार और चौकन्ना रहने की जरूरत है।